ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता का व्रत कथा। आप लोग जो है धन्य हैं जो कि सामूहिक भगवान माता संतोषी कथा सुन रहे हैं। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व जो है कलश के जल को पूर्ण जल से भर दे, उसके ऊपर गुड़ व चने की दाल रख दे और चना गुड़ जो है बाद में जो है गौ माता को खिलाना चाहिए। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों जो है भगवान माता आ सकती संतोषी माता का जयकारा बोलना चाहिए। बोले संतोषी माता की जय। उसके बाद जो है सभी बच्चों को बुला लेना चाहिए। घर परिवार में अगर बच्चे हैं बाहरी बच्चों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर घर में बच्चे ना मिलें तो ब्राह्मण अथवा पास पड़ोस के लड़कों को बुला करके भोजन कराना चाहिए और 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए और किसी भी बच्चे को कोई खटाई वाला बस नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से जो है माता भावनाओं की भूखी हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक जो है शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता कथा सुनिए। बोली संतोषी माता की जय। एक समय की बात है कि एक नगर में एक कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जात के तीनों लड़के रहा करते थे और उस तीनों में मित्रता बहुत ज्यादा था। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों को जो है गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन जो है कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, अपनी ससुराल वालों से मुलाकात करके अपनी स्त्री को घर लेकर आओ। स्त्री के बिना घर परिवार कैसा सुना लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता है। एक बात को सुन लीजिए। इस बात को सुनकर के वह वैश्य लड़का जो है उसको बात अच्छी लग गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर के मुलाकात करके उस अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाएगा तब लेकर के आना। परंतु वैश्य के लड़के की ऐसी जिद हो गई कि वह किसी प्रकार से नहीं माना और उसने अपने ससुराल में जा करके जिद ठान लिया और समझाने बुझाने पर भी नहीं माना और मजबूर होकर के जो है उसके ससुराल वालों ने उसे के साथ जो है अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार से जो है इन दिनों शुक्र अस्त हो गया था उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक भी बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह कर रहा था। वह जब वह किसी प्रकार भी नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर के अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैसे पुत्र जो है पत्नी को एक रथ में बैठा कर अपने घर को लेकर चल पड़ा। दूसरी थोड़ी दूर जाने के बाद जो है रास्ते में उसके रथ का पहिया टूट कर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन वस्त्र और आभूषण था वह सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार जो है अनेक कष्टों का सामना करते हुए अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के पहुंचा तो वह वैसे लक्के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके स्त्री अत्यंत विलाप कर देख कर रोने लगी। परंतु वैसे ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य ने कहा, यह 3 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण लड़के और सारी बात को पता लगा तो उसने जो है कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र अस्त होता है वो कोई अपनी स्त्री को नहीं लेकर जाता है, परंतु यह शुक्र के अस्त होने में जो है स्त्री को विदा कराकर अपने घर ले गया है, जिसके कारण उसके सामने इस प्रकार से विघ्न व्यवस्था उपस्थित हुई। यदि वह 3 दिनों के अंदर ससुराल वापस चला जाए और शुक्र उदय होने के बाद पुनः आए तो निश्चित ही यह विघ्न टल जाएगा। शेर ने अपने पुत्र को और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस में दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य की पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और ससुराल में जाकर के साधारण उपचार के बाद वह ठीक हो गया, विष मुक्त हो गया और अपने दामाद को स्वस्थ देकर के ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हो गए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में जाकर के स्वास्थ्य लाभ करता रहा। जब शुक्र उदय हो गया तब हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर में आकर के आनंद के साथ रहने लगे। इस व्रत के प्रभाव से जो है अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो लोग भी सच्चे मन से जो है माँ संतोषी माता का पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोले संतोषी माता की जय।